सिरसा के हुड्डा सेक्टर में रहने वाले मोहन मेहता पिछले दो दशक से मुर्गी पालन का काम कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। उनका जीवन यापन इसी से चलता है। घर खर्च से लेकर बच्चों के स्कूल का खर्चा इस कारोबार से ही वहन होता है। 20 बरस तक जिस कारोबार से उन्होंने अपना जीवन यापन किया, आज उसी कारोबार ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वजह है बर्ड फ्लू का कहर। बर्ड फ्लू के चलते अकेले हरियाणा में मुर्गी कारोबार को अरबों रुपए का फटका लगा है। मुर्गों की बिकवाली में 8 गुना जबकि दाम में 5 गुना तक की गिरावट दर्ज की गई है। इस समय हरियाणा में 10,000 मुर्गी फार्म हैं, जिनमें सालाना 10 करोड़ से अधिक मुर्गी पालन का कारोबार होता है। मुर्गों के साथ ही अंडा इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। बर्ड फ्लू का नतीजा ही है कि हरियाणा में जगह जगह से मुर्गों को मिट्टी में दबाने की खबरें आ रही है। दरअसल बर्ड फ्लू के कारण चिकन इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। पंजाब व हरियाणा जैसे राज्यों में काफी मात्रा में नॉन वेज खाया जाता है, जिनमें चिकन मुख्य रूप से शामिल है। पशुधन विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में करीब 10,000 मुर्गी फार्म है। हर साल करोड़ों की संख्या में मुर्गी पालन का धंधा होता है। इसके अलावा हरियाणा में करीब 60 से अधिक हेचरी है, जिनमें चिक्स एवं अंडा तैयार किया जाता है। चूंकि विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों की ओर से बर्ड फ्लू के मद्देनजर मांस खासकर चिकन ना खाने की सलाह दी है, ऐसे में इसका असर मीट इंडस्ट्री में साफ नजर आया है। इसके चलते चिकन की बिकवाली कम हो गई है। मुर्गी पालन करने वाले हिसार के रामफल बताते हैं कि मुर्गे में 40% तक प्रोटीन और 3200 कैलोरी होती है, इसलिए यह स्वास्थ्य के लिए किसी तरह से खतरनाक नहीं है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी चिकन इंडस्ट्री को कई बड़े झटके लग चुके हैं। उनके साथ ही अन्य कारोबारियों का कहना है कि चूंकि लंबे समय से हरियाणा सरकार की ओर से मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही है और सरकारी प्रोत्साहन के बाद ही उन जैसे कई लोग इस कारोबार से जुड़े हैं, अब चूंकि बर्ड फ्लू के चलते कारोबार पर संकट आया है तो सरकार को उनकी आर्थिक हानि को देखते हुए कोई कदम मुर्गा कारोबारियों के लिए उठाना चाहिए। ये सर 2007-08 में पहले बर्ड फ्लू आया था, उस टाइम पोल्ट्री पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा था, बहुत ही नुकसान था। और पीछे जो कोरोना आई थी 2020 में, उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ा था पोल्ट्री पे। कोई भी काम हो ब्रॉयलर मुर्गे ने कर दिया, किसी कोई भी बीमारी आई देश में तभी ब्रॉयलर मुर्गे का वो लगता है। तो इसमें हमारे अब भी कामकाज में काफी प्रभाव पड़ा है और पहले भी पड़ा था। जो पंचकुला साइड में बता रहे हैं बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई 2 फार्मों पे, वहाँ बर्ड फ्लू बताइए, हमारे यहाँ इतना बर्ड फ्लू का कोई वो भी नहीं, अफवाहें ज़्यादा है। तो हमारे कामकाज पे बहुत ही ज़्यादा असर है। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पोल्ट्री उद्योग पर थोड़ा ध्यान दिया जाए।